और अगर किसी ने ये जो डॉग्स लेने हैं तो इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हैं। आगे आगे कि क्योंकि ये कई सारी यूट्यूब पे पता नहीं कितनी वीडियोस बन चुके हैं इन टॉपिक्स पे कि यूं ला 2 लाख 3 लाख 4 लाख का फायदा है, 2 फीमेल रखो 4 रखो और यूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार कालवास गाँव में आया हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉग ब्रीडिंग जो है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए या बहुत बड़ा सेटअप चाहिए या मतलब कि ज़्यादा एज वाले एक्सपीरियंस बंदे ही उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एज वाला ही बंदा करे। तो इस चीज़ को मैं आपके आगे लेके आने के लिए मैं यहाँ आया हूँ इस गाँव में, और मेरे बहुत बढ़िया फ्रेंड है सुमित लांबा, वो डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में ही है और उनकी उम्र जब आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कोई उम्र नहीं होती इस बिजनेस की, शौक का बिजनेस है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हमारे चैनल पे पेट्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और एक एनिमल न्यूज सीरीज भी चलाते हैं। तो ये है सुमित लांबा भाई, और ये सबसे बड़ा सरप्राइज था कि आप इनकी उम्र देख सकते हो और इनका ये शौक है और इनके ही ये डॉग्स हैं और ये ब्रीडिंग बिजनेस में है, रॉटवाइलर ही स्पेशल रॉटवाइलर की ब्रीडिंग में ही है ये। आगे ये बताएंगे, इंट्रो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित लांबा है और मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ रॉटवाइलर को ही ब्रीड करता हूँ और जेन्युइन बंदों से ही ब्रीड करता हूँ, जेन्युइन लाइन का ही काम करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कितना भाई? मैं लास्ट 4 साल से रॉटवाइलर ब्रीड कर रहा हूं। एक बार पहले अपनी उम्र बता दो भाई। मेरी उम्र अभी फिलहाल 18 का हूँ मैं। 18 के अभी हुआ नहीं, होने वाला हूँ। मतलब कि स्टार्टिंग इन्होंने मतलब 14 साल से है। हाँ, 13-14 साल। और ये कोई झूठ नहीं है, ये आगे दिखने लग रहा है। और जो ये तो 2 डॉग्स इनके आगे हैं और अंदर भी इनके पपीज हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एक बार शुरुआत कर रहे हैं वीडियो की, इसलिए ये 2 डॉग्स यहाँ पे बांधे हुए हैं। तो मतलब आप 14 साल की उम्र से आपने ब्रीडिंग स्टार्ट करा, और ये क्यों करा, कैसे आपके? ये बस मेरा शौक था भाई, और शौक से ये बिजनेस बन गया। डॉग्स तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग से रहते थे फैमिली में, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही घुल मिल गया इनके अंदर। अच्छा अच्छा, तो अब मेरे को एक बहुत बड़ा मिथ ये है लोगों के अंदर कि डॉग ब्रीडिंग बिजनेस जो है इसके लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या मतलब कि बहुत बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, बढ़िया मतलब कि एक जैसे प्रॉपर सेटअप होता है वो चाहिए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये सिर्फ लोगों का कहना है कि और कोई बंदे नए बंदे इंक्लूड ना हो इस चीज़ में। आप डॉग ब्रीडिंग एक फीमेल से भी कर सकते हैं, 10 फीमेल से भी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल होगा कि आप एक से करके एक्सपीरियंस बनाए अपना, ठीक है। जब बंदे 10-10, 15-15 फीमेलों पे चले जाते हैं, फीमेल हिट में आती नहीं, मैट नहीं होती प्रॉपर टाइम से, तब बंदा पीछे आता है। आप प्रॉपर फीमेल रखो, सुंदर तरीके से रखो, सुंदर लाइन रखो, जेन्युइन काम करो, आप अपने आप सक्सेस होंगे। सुमित भाई, ये बात भी बताओ आप सबको कि एक बहुत बड़ा मिथ है ये, और मिथ भी क्या है ये, ऐसे सारे जितने भी यूट्यूब वीडियोस देख लो आप, उसमें सारे सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सारा ही प्रॉफिट हो, क्योंकि नुकसान तो हर जगह होता है। बिल्कुल, ठीक है। और इस फील्ड में भी नुकसान बहुत तगड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों पक्ष रखो, ये प्रॉफिट है भाई, ये नुकसान है, ऐसे ऐसे प्रॉफिट हो सकता है और ऐसे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल भाई, जब फीमेल हमारी हिट पे आती है ना, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि 6 बार मैट कराते हैं तो कम से कम 3 ही बार लीटर हो पाते फीमेल के, 3 टाइम वो खाली चली जाती है, और गर्मियों में लीटर ले भी नहीं पाते, तो सर्दियों के लीटर होते, कई बार मिस भी हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है इस चीज़ का कि नए नए लोग आते हैं, वो सिर्फ एक ही बात लेते हैं कि हमारे पास लीटर होगा, लीटर होगा, लीटर होगा, लीटर नहीं हो पाता तो वो पीछे हट जाते हैं। फीमेल अच्छे से रखो, अच्छे से, पहले ये था अंदाजे से मैटिंग करवानी पड़ती थी 13वें 15वें 18वें दिन, अभी नए नए रूल्स हैं, प्रोजेस्टोन टेस्ट आया है सबसे बढ़िया, 98% फीमेल कंसीव होती है उस टेस्ट के बाद। आप फीमेल का प्रोजेस्टोन टेस्ट करवाओ, फिर ही उसे मैट करवाओ। हाँ, तो ये तरीके होते हैं इस चीज़ के हैं। और अब ये बताओ कि इसका प्रॉफिट तो ये है भाई, जैसे हमारी फीमेल ने लीटर दे दिया था, बच्चे मार्केट में चले जाते हैं, वो सेल हो जाते हैं, ब्रीड को प्रॉफिट हो जाता है। ये कितना रेशो रहता है कि एक नॉर्मल बिजनेस है और इसमें क्या फ़ायदा है कि हम यही क्यों करें? नॉर्मल ये लेके चलो, आपके पास 2 फीमेल है घर पे, तो आपकी फीमेल आपके 1 साल में 2 ही लीटर हो पाएंगी दोनों ही फीमेलों से, और उतना खर्चा हो जाता है फीमेलों के ऊपर, उनके केयर के ऊपर। आप मैटिंग फीस भी पे करते हो, सारा काम मतलब करते हो। बात वहीं आ जाती है कि मतलब कि जो नॉर्मल और बिजनेस है उतना ही इसमें बचता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उतना ही बचता है। बात ये है कि ये लोगों का शौक है। हाँ। शौक से मजबूर है,
तो हाँ, अभी लोग सिर्फ प्रॉफिट की वही लोग बात करते हैं जिनके फार्म पे 50-50 फीमेल खड़ी रहती है, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये बात आ गई आगे कि क्योंकि ये कई सारी YouTube पे पता नहीं कितनी वीडियोस बन चुके हैं इन टॉपिक्स पे कि यूं 2 लाख 3 लाख 4 लाख का फायदा है, 2 फीमेल रखो 4 रखो। और यूं मेन बात ये है कि अगर आपका प्रॉपर है, आपने कम से कम बबी भाई ने बताया 40-50 फीमेल हो, तो आपके वही प्रॉफिट उतना ही है, प्रॉफिट इनमें भी इतना ही है, उसमें बस यूं है कि क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी तो वो बड़ा अमाउंट लगने लग जाएगी, यही बात है। बिल्कुल भाई, 50 फीमेलों की केयर भी नहीं हो पाती बंदे से, बात वहाँ वो आगे ना, वो पप्पी मिलर कहलाता है। हाँ, ये बात भी सिर्फ है। उसको बच्चे बेचने से मतलब, उसको ब्रीड से कोई मतलब नहीं है, ना उसके पास लैबरे होगी ना रोटवेलर होगी, जितनी भी 226 या जितनी भी ब्रीडे हैं सभी ब्रीडे चलती है उसके फार्म पे। वो ऐसा काम करता है, मेरे जैसे पे लीटर हो गया, उठा लिया, बेच दिया, बीज का कमा लिया, जितना भी ब्रोकर का काम करते हैं जो इतनी इतनी फीमेलें रखते हैं। जो जेन्युइन बंदे होते हैं वो सिर्फ 6-7-8-10 फीमेलें ही रखते हैं। ये बात आगे आ रही है, देखो यूट्यूब पे कुछ और चलता है और असलियत जो जमीनी हकीकत होती है ना, वो कुछ और अलग होती है। आप देख सकते हो ये भाई, इसका ये घर है और ये शौकिया तौर पे रख रखा है इन्होंने, और शौकिया तौर पे तो भाई देख इतना ही बचता है जो ये जो मिथ बताते थे लोग। अब ये बताओ भाई कि रोटवाइलर में जो क्या खूबी है, आपने क्यों ये चूज करा ये ब्रीड? भाई स्टार्टिंग में मेरे पास लैबरे भी थी, फिर मैंने रोटवाइलर ली थी, मैंने शो में देखा था, शार शो में रोटवाइलर, मेरे को बहुत पसंद आया। इसकी जो एक्टिविटी है, ये जितनी मालिक के लिए लॉयल है, जो इसका ब्लैक एंड टैन कलर है, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये इसका कलर, दूसरी बात मालिक के ऊपर गार्डिंग की, फीमेल बहुत सुंदर होती है। जो मेरे पास करंट लीटर है इस टाइम, उसकी मदर ये है, आप रोटवीलर में देख सकते हैं। रोटवाइलर में दो ही चीज़ खास होती है, एक इनके ये टैंस आइज़ के ऊपर होते हैं, यही क्वालिटी वाइज दिखते हैं बोन्स, और इनकी कलर मार्किंग ब्लैक एंड टैन पूरे वर्ल्ड में यही चलती है। ये फीमेल 4 साल की हो चुकी है, इसका फादर रैमो ऑफ सचिन इम्पोर्ट है, इसकी मदर कैली ऑफ परमित, ये हमारे बड़े भाई साहब अमित परमर ने ब्रीड की थी। ये जो अभी फीमेल दिखाई थी अभी पहले, वो इनकी मदर है, ये भाई का करंट लीटर है जो अभी प्रेजेंट में है, और अब ये 40 डेज के बच्चे हैं, ये मेल और ये फीमेल है। अब भाई बताएंगे इनके बारे में। ये जो बच्चे हैं फिलहाल करंट लीटर, इनकी मदर रैमो ऑफ सचिन की डॉटर जो हमने आपको अभी दिखाई थी 2 मिनट पहले, इनका फादर कैरिम अम्बाला से योगेश त्यागी जी है, उनके पास है कैरिम, बहुत ही शानदार डॉग है। आप इस बच्चे की क्वालिटी देख सकते हो, बोन साइज, हेड देखो कितना बड़ा है, कलर मार्किंग, 40 डेज का हो चुका है ये बच्चा, देख सकते हो आप बिल्कुल क्वालिटी, मतलब देख के पता चल रही है कि क्या चीज़ है। जिनको पता है ना वो देख के खुद बता देंगे कि हाँ भाई बच्चों की क्वालिटी है या नहीं है। और ये देखो भाई, इसको ऐसे प्रॉपर खड़ा करके दिखाओ, ऐसे ऐसे करके, ये देखो रोटवाइलर। तो सुमित भाई, जो अपने जो डॉग्स होते हैं जो KCI रजिस्टर्ड होते हैं कैनल क्लब ऑफ इंडिया, तो जो अपनी फीमेल है ये रजिस्टर्ड है और इसके फादर जो है ये रजिस्टर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, रजिस्टर्ड है KCI, मैं आपको अभी दिखाता हूँ इनके पेपर्स। अच्छा, तो ये कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर? हाँ जी, कैनल क्लब ऑफ इंडिया के पेपर है, ये मदर के पेपर है जो रैमो ऑफ सचिन की डॉटर है। ठीक है, और ये जो हमने कैरिम डॉग यूज किया था, अच्छा, योगेश त्यागी जी का, उनका स्टड फॉर्म भरा जाता है पपीज के पेपर मंगाने के लिए, तो ये उनका स्टड फॉर्म आ चुका हमारे पास है, जिसमें फीमेल की माइक्रोचिप नंबर और नाम, जिसके नाम पे लीटर निकलवाना होता है, ये होता है भाई। ठीक है ठीक है, मतलब ये प्रॉपर है, ये KCI रजिस्टर्ड बच्चे हैं, सारे सबूत है इस बात के कि हवा में बात नहीं है। मैं ये फोटोज दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये हवा में बात नहीं हो रही है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई हमारी वीडियो में आने के लिए, और आपने जो ये सच्चाई बताई है इस फील्ड की, बहुत अच्छा लगा हमें बात करके आपसे, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी ने ये जो डॉग्स लेने हैं तो इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर सकते हैं।